पावर डेलीगेशन, उसका चेयरमैन है श्री अधीर रंजन चौधरी जी। हमारा लोकसभा में डेलीगेशन, उसका चेयरमैन है श्री अधीर रंजन चौधरी जी। हमारा लोकसभा में हमारा नेता है, उनके साथ गौरव गोगोई जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असम से। हमारे साथ नासिर हुसैन साहब है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर्नाटक से हैं। उसके अलावा सुदीप बर्मन जी जो नव निर्वाचित विधायक हैं, आशीष जी जो जिन्होंने धन्यवाद। जैसा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा, पिछले दिन जैसे ही हिंसा की घटना घटी, आदरणीय कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी जी ने निर्देश दिया कि एक 3 सदस्य का कमिटी, उच्च स्तरीय कमिटी अगले दिन मतलब आज त्रिपुरा जाके यहां पे किस प्रकार से हिंसा हुई उसकी पूरी जांच करके हमारे नेताओं से मिलकर, हमारे कार्यकर्ताओं से मिलकर उनको तुरंत एक रिपोर्ट दें। तो जैसा कि अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा, आज सुबह हम आए, आके ही हम त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जी से मिले, उसके पश्चात अस्पताल में जो हमारे घायल कार्यकर्ता हैं उनसे मिले, उनका दर्द देखा हमने, उनके प्रति हमारी बहुत चिंता है। हमने अस्पताल के डॉक्टर से आश्वासन मांगा कि उनके हमारे कार्यकर्ताओं के देखभाल में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, और हमने अपने कार्यकर्ताओं को भी कहा कि अगर आपको कोई भी असुविधा है तो आप तुरंत हमको बोलिए। यहां पे हमारे नेतागण हमारे साथ हैं, दिल्ली में हमारी नेता सोनिया गांधी जी बहुत चिंतित है, पूरी पार्टी हमारे कार्यकर्ताओं, त्रिपुरा के कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी है। उसके पश्चात अस्पताल के निकट ही एक दुकान जो पूरी तरीके से उसको एक षड्यंत्र के तरह वहां पे आग लगाया गया, बहुत नुकसान हुआ उस आदमी का, उस दुकान के मालिक का। और वो दुकान के मालिक हमारे दल के साथ बहुत सालों से जुड़े हुए थे, और निश्चय उनके दुकान पर जो आक्रमण था वो एक राजनीतिक उद्देश्य से आक्रमण हुआ। उनके पास भी हम गए, और उसके पश्चात हमारे पार्टी प्रेसिडेंट बीरजीत सिन्हा जी पर जो हिंसात्मक आक्रमण कल हुआ, जानलेवा आक्रमण जो हुआ, उसके पास भी हम गए और उनसे हमने बातचीत की, और हमें बहुत खुशी हुई कि ऐसे जानलेवा आक्रमण के बाद भी उनका मनोबल नहीं कमा, उनकी शक्ति, मानसिक शक्ति, दृढ़ शक्ति अभी भी अटूट है। और शायद यही कारण है कि बीजेपी हमारे ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर बार बार आक्रमण कर रही है। सोचते हैं कि हम पर आक्रमण करके हम डर जाएंगे, पीछे हट जाएंगे, बैठ जाएंगे, लेकिन आपने देखा कि सुदीप रॉय बर्मन जी पर भी जानलेवा आक्रमण हुआ था, लेकिन आज जनता जाग चुकी है और कांग्रेस पार्टी में एक विकल्प देखती है, और उपचुनाव में सुदीप रॉय बर्मन जी का जीत हुई, और हमारे सहयोगी, हमारे नेता आशीष साहा के कॉन्स्टिट्यूएंसी में
किस प्रकार से बीजेपी ने जीत हासिल की वो भी हमको पता है। और बार बार प्रश्न उठता है कि यहां पे प्रशासन, यहां पे पुलिस चुप क्यों बैठी हुई है? क्या त्रिपुरा के लोगों को एक निष्पक्ष पुलिस और प्रशासन की जरूरत नहीं है? पुलिस और प्रशासन, संविधान के प्रति जो उन्होंने शपथ ली है वो शपथ भूल गए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर आक्रमण करेंगे तो उनके जो राजनीतिक गुरु हैं वो पुलिस को, कर्मचारी को, कुछ कर्मचारी, सभी को मैं नहीं कहता, पर कुछ कर्मचारियों को बाद में किसी प्रकार का तोहफा मिलेगा। लेकिन त्रिपुरा के लोग डर में नहीं जीना चाहते, त्रिपुरा के लोग भय में नहीं जीतना चाहते। आज कांग्रेस पार्टी में उन्हें एक नई उम्मीद देखी है और त्रिपुरा के लोग आने वाले समय में वो समझ चुके हैं कि जो कल्पना उन्होंने की थी बीजेपी को लेकर, वो तो देख लिया कि किस प्रकार गुंडा बाहिनी, बाइक बाहिनी आकर म्यूनिसिपल इलेक्शन में लोगों को वोट नहीं करने दिया, किस प्रकार का अत्याचार किया, वो भी देखा। और भी त्रिपुरा के लोगों ने ये भी देखा कि नए मुख्यमंत्री आने के बाद भी बीजेपी कार्यकर्ताओं का रवैया बदला नहीं, वैसा का वैसा ही है। तो हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि सोचिए अपने राज्य के बारे में, त्रिपुरा के लोग शांति में जीना चाहते हैं, हिंसा में नहीं, डर में नहीं, भय में नहीं। लेकिन त्रिपुरा के लोगों ने भाजपा से झूठे सपने, झूठे दिलासे अब सुनने की आदत त्रिपुरा के लोगों में आ गई है, भारत के लोगों में भी आ गई है कि भाजपा झूठे दिलासे और झूठे सपनों के अलावा और कुछ नहीं करती, डर और प्रशासन का दुरुपयोग कर लोगों का वोट वो लेना चाहती है, हड़पना चाहती है। लेकिन आने वाले समय में त्रिपुरा का जब चुनाव 2023 में होगा तो त्रिपुरा का, अभी तो सुदीप रॉय बर्मन जी के निर्वाचन में सिर्फ ट्रेलर ही बीजेपी ने देखा है, अभी पिक्चर बाकी है दोस्त, पूरा पिक्चर त्रिपुरा के लोग भाजपा को 2023 के इलेक्शन में दिखाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद कॉलेज जी। अब मैं अनुरोध करूंगा श्री नासिर हुसैन जी, जो हमारे सांसद है कर्नाटक से, डायस पे बैठे कांग्रेस के नेतागण और मीडिया के दोस्तों, मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा क्योंकि हमारे नेता अधीर रंजन चौधरी साहब और लोकसभा में हमारे डिप्यूटी लीडर गौरव गोगोई साहब बहुत विस्तार से अपनी बात रखें। लेकिन मैं इतना जरूर यहां पे कहूंगा कि सोनिया गांधी जी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षा के आदेश पे हम तमाम लोग यहां पर त्रिपुरा कांग्रेस कमेटी के एक एक कार्यकर्ता, त्रिपुरा कांग्रेस के एक एक नेता को शक्ति देने के लिए, साथ देने के लिए, मजबूती देने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए, उनके साथ सॉलिडरिटी दिखाने के लिए हम तीनों लोग दिल्ली से यहां पर आए हैं। हमारा एक एमएलए हो, दो एमएलए हो या कोई एमएलए ना हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे सोच पे, हमारे ऑफिसर्स पे, हमारे कार्यकर्ता पे, हमारे लीडर के ऊपर अगर आंच आई, हम दिल्ली से जो भी यहां आके उनको साथ देने का काम हम लोग हमेशा करते रहेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है त्रिपुरा में चंद महीने के बाद इलेक्शन आने वाले हैं, अगर ट्वीट करो, इनके ऊपर केसेस डालो और कांग्रेस के कार्यकर्ता पीछे हट जाएंगे, वो गलत फहमी में रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी को दबाने की पता नहीं इतिहास में कितने लोग कितनी बार कोशिश किए, लेकिन कांग्रेस पार्टी खत्म नहीं होती। चुनाव आता है, चुनाव जाता है, सरकारें आते हैं, सरकारें जाते हैं, एमएलए एमपी बनते हैं और एमएलए एमपी खत्म हो जाते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सोच जो 150 साल की इस देश को चलाते आ रहे, देश के लोगों के साथ खड़ी हुई है, वो आने वाले दिनों में भी इसी तरह खड़ी रहेगी। हम लोगों ने यहाँ पे आते ही
जैसा अधीरता ने बताया सीधा चीफ मिनिस्टर के यहां हम लोग जाके अपना हमारा प्रोटेस्ट रजिस्टर करके आए हैं। हम लोगों ने उनको बोला है कि आप जो मुख्यमंत्री बनते हैं तो आप किसी एक पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं होते, पूरे त्रिपुरा के, पूरे आवाम के, पूरे लोगों के मुख्यमंत्री होते हैं। आपको निष्पक्ष यानी कि इम्पार्शियल जांच कराना है। इतनी हिंसा हुई है, कई लोगों के ऊपर हिंसा हुई है, हमारे ऑफिसर्स को अटैक किया गया है, सिर्फ स्टेट हेडक्वार्टर्स में नहीं, कई डिस्ट्रिक्टों में हमारे पार्टीज के ऊपर आक्रमण हुआ है, वैंडलाइज किया गया है, जलाया गया है, खतरा हुआ है। तो हम लोगों ने उनसे बोला है, पॉलिटिकल अपोनेंट्स हमेशा होते हैं, हर जगह पॉलिटिकल अपोजिशन होती है, अलग अलग सोच, अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में एक पार्टी जीतती है, एक पार्टी हारती है, इसका ये मतलब नहीं कि जैसा ही आप एक चुनाव हार जाते हैं, एक हमारा एमएलए जीत के आता है, वो एमएलए जीतने के 3 दिन पहले से उसके ऊपर पथराव होता है, उसको डराने की कोशिश करते हैं। सुदीप राव बर्मन जी जो हमारे कैंडिडेट जीत के आए हैं, उनके ऊपर हमले पे हमले होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो हिम्मत से फ्रंट पे आके खड़े होकर चुनाव लड़के जीतते हैं। ये शुरुआत है त्रिपुरा में, ये त्रिपुरा में शुरुआत है। 20-22% हमारा वोट हमें मिला है, इसका मतलब लोग हमारे से जुड़ना शुरू किए हैं, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पे विफल रही है, इसका मतलब जितने वायदे पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा के आवाम को दी थी, वो सारे वायदे एकदम खरा उतरने की बात होती है, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। इसीलिए यहाँ के युवा और यहाँ के आम जनता जो है उनके खिलाफ जा रही है, उनसे दूर जा रही है और कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ते जा रही है। बहुत सारी बातें मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि दो लोग ऑलरेडी मेरे से पहले बात किए हैं, मैं इतना ही कहूंगा, मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा, निष्पक्ष जांच होना है। जैसा हम लोगों ने आपसे मिलके कहा कि निष्पक्ष जांच होना चाहिए, वो कौन कौन मिस्क्रिएंट्स थे, कौन कौन हमला किए थे, उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, उनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। पुलिस यहाँ पे म्यूट स्पेक्टेटर होकर खड़ी हुई थी, आज तक एक भी केस उनके खिलाफ दर्ज नहीं किए, लेकिन हमारे 6-7 वर्कर्स को पिकअप करके ले जाके उनको स्टेशन में बिठाने का काम उन्होंने किया है। हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन के दरवाजे खटखटाए हैं, दिल्ली में हम लोगों ने केस दर्ज किया है भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि ये इलेक्शन रिलेटेड वायलेंस है, हम लोगों ने केस दर्ज किया वहां पर। हम लोग ये जनता के कोर्ट में हम लोग बार बार लेके जाएंगे। यहाँ हमारे एआईसीसी के इंचार्ज हमारे पूर्व सांसद अजय कुमार जी हैं, एआईसीसी सेक्रेटरी हमारे बहन जरिता लाइफलॉन्ग है, ये सारे लोग यहाँ पे रहेंगे। इसके बाद में आने वाले दिनों में जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में हमारे ऑफिसर्स को वैंडलाइज करने का काम किए हैं, वहां पे सारी हमारी लीडरशिप, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट ब्रिजेश सिन्हा जी, सुदीप राय बर्मन जी, हमारे आशीष साहब और सारे कार्यकर्ता यहाँ से जाएंगे, उन तमाम डिस्ट्रिक्ट में जाके वहां पे हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता को ताकत देने का काम करेंगे। वहां के ऑफिसर्स हम लोग रीबिल्ड करेंगे, वहां के ऑफिसर्स में जितने लोग काम करते हैं उनको हिम्मत देने का काम करेंगे। और आने वाले 8 दिन जिस तरह से हम लोग पिछले ये चुनाव जिस तरह से हम लोगों ने लड़ा है और जिस तरह से हमारे कार्यकर्ता ये इतने वायलेंस के बावजूद फ्रंट पे आके लड़े हैं, उसी तरह से आने वाले 8-10 महीने हम लोग लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी को त्रिपुरा के धरती से उखाड़ के फेंकने का काम हम लोग करेंगे। करके बात करके अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस।